आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऑटो कैंपेन लॉन्च कर दिया है और हमारे साथ यहां पर कुछ ऑटो चालक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्टर लॉन्च किया है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गुजराती में आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के अलावा जो गुजरात की आम आदमी पार्टी के नेता हैं यशुदान गढ़वी, और साथ ही साथ इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद के भीतर ऑटो चालकों के साथ संवाद भी किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो तमाम विवाद है, जो तमाम शिकायतें हैं, वो आम आदमी पार्टी किस तरह से पूरे करेगी, ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अशोक भाई यादव। अशोक जी, ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं ऑटो चालकों की और क्या भरोसा है आपको जो आज बातचीत हुई है? सर जी, हमको दिक्कतें ये 101 नंबर 188, दूसरा नंबर गैस की महंगाई, तीसरा नंबर जो साबरमती रिवर्स फ्रंट बनाना उसमें ना 22 किलोमीटर उधर रिक्शा चलने देते हैं और ना इधर चलने देते हैं, और इसके बाद में गैस की तो मारी है ही है, बाकी भाड़ा बहुत कम है सर। भाड़ा बहुत कम है। 188 नंबर क्या है, लोगों को समझाइए। 188 नंबर ऐसा है, कोई गुनाह नहीं करते हैं, उसमें लापरवाही कलम लगाते हैं, उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं सर। हमको बारी बारी जमानत करवानी पड़ती है, इसके लिए बहुत दुखी हो जाते हैं, कोर्ट के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं, परेशानियां काफी होती है। आपका नाम क्या है? अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन कारोबारी विराज भाई। विराज, बताइए कि क्या समस्याएं हैं ऑटो चालकों की? अहमदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं रिक्शा चालकों की, खास करके तो 188 283 जो कलम है, इनको पुलिस वाले बहुत हैरान गति करते हैं। कई बार चार रास्ते पर पैसेंजर पुलिस वाला अगर रिक्शे वाला उतार रहा है तो पुलिस वाला उसको आके पीछे रिक्शा में बैठ जाता है और उसको ले जाता है पुलिस चौकी के अंदर। अगर आप ऑटो में ज़्यादा सवारी बिठा रहे हैं तो वो भी गलत है। हाँ, लोग रेगुलर 3 सवारी बिठाते हैं, 3 सवारी के बावजूद भी वो रिक्शा में पैसेंजर उतार दिया हमने, उसके बाद पुलिस वाला आता है और रिक्शा को पुलिस चौकी के अंदर में ले जाता है, उसका मेमो बना देता है, चलान कर देता है, उसके लिए हमारे को 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। ये परेशानी आती है। तो अब संवाद जो हुआ है इससे क्या उम्मीद है आपको, आपको क्या यहाँ पे नजर आया, कितना भरोसा है आपको? हमारे को केजरीवाल के ऊपर फुल भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे गुजरात में भी वो रिक्शा चालकों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे और भी ऑटो चालक हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं, ये बताइए मुझे कि ये जो कैंपेन लॉन्च हुआ है और इस कैंपेन के जरिए आप लोगों तक बात किस तरह से पहुंची है, आप लोग जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल गिना रहे थे उतना उन्हें कितना समझ पाए? हम समझ पाए केजरीवालों की, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, मतलब खाली उनकी बातें नहीं होती, उन्होंने जो भी बात बोली है चाहे पंजाब में हो दिल्ली में हो, उन्होंने मतलब जो बोला है वो किया है। और हमारे को पूरा भरोसा है कि इस बार केजरीवाल की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर इस बार केजरीवाल। यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि दावे कर रहे हैं ऑटो चालक, ऑटो चालकों की कुछ परेशानियाँ हैं, और यहाँ पर संवाद जब किया ऑटो चालकों के साथ तो दिल्ली और पंजाब में जो तमाम गारंटी थी उनको अरविंद केजरीवाल ने गिनाया, और ये देखिए कुछ इस अंदाज में यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। ऑटो कैंपेन अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, पुलिस पर ऑटो चालक कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो दिल्ली यहाँ पर जो पुलिस है वो भी कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ अब एक नया राजनीतिक समीकरण शुरू हो गया है। सीधे तौर पर आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए अपने प्रचार को आम आदमी पार्टी तेज कर रही है। अहमदाबाद से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ पंकज जैन।